हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सीएसएस के फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होती है एचटीएमएल की, उसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग सीएसएस के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया था, जैसे कि हम लोगों ने फॉन्ट टेक्स्ट के साइज को इनक्रीज़ किया था फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी का यूज़ करके। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग अपने फॉन्ट को बोल्ड बना सकते हैं, उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फॉन्ट के कलर को हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट के कलर वगैरह को, फॉन्ट के शेप को चेंज करने के लिए हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, जिसे आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ हम लोग कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इस वीडियो में, जो कि होती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ एंड बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना वीएस कोड ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो ये लास्ट वाली फाइल है जिसमें हम लोगों ने फॉन्ट प्रॉपर्टी को सीखा था, ये देख सकते हो। इसे मैं यहाँ से क्लोज करती हूँ एंड ये सेम फोल्डर यहाँ पे ओपन है सीएस ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम लोग अपने सारे ट्यूटोरियल को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आज एक नई फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग, और इसमें मैं फ़ाइल नेम दूँगी tut5.html। एंटर किया मैंने, ये फाइल यहाँ पर ऐड हो चुका है। सबसे पहले तो यहाँ पर html का जो बॉयलर प्लेट है वो ऐड करते हैं, और यहाँ पे टाइटल ऐड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी हम लोग इंटरनल सीएसएस का ही यूज़ करने वाले हैं। तो जस्ट क्लोजिंग हेड टैग के बाद यहाँ पे स्टाइल टैग भी ऐड कर लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग सीएसएस ऐड करेंगे। और सबसे पहले एचटीएमएल ऐड करेंगे। एचटीएमएल ऐड करने के लिए हम लोग बॉडी टैग के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करूँगी, उसके लिए h1 टैग लेंगे, और सेम जो मैंने टाइटल में यहाँ पे ऐड किया है इसे मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ, और यहाँ h1 टैग के अंदर इसे हम लोग ऐड कर देते हैं। एंड इसे अब हम लोग शो प्रीव्यू पे क्लिक करके यहाँ लाइव प्रीव्यू पे ओपन कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हेडिंग ऐड हो चुकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये जो हेडिंग है इसे हम लोगों ने हेडिंग टैग के अंदर लिखा है। तो इसकी फॉन्ट साइज, जो है एक हेडिंग की तरह यहाँ पर दिख रहा है, बड़े लेटर में और बोल्ड में। तो फॉन्ट प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट का कलर होता है एचटीएमएल का, वो ब्लैक ही कलर होता है। तो अब मुझे इसके कलर को चेंज करना है। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी की वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम लोग फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं? तो आते हैं यहाँ पर हम लोग सीएसएस में, एंड सबसे पहले तो इस हेडिंग को सीएसएस में लाने के लिए हम लोग इसे एलिमेंट के थ्रू यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कलर प्रॉपर्टी, जिसके लिए हम लोग सिर्फ कलर लिखते हैं। मैंने लिखा कलर, एंड यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ पे मैं ब्लू लिखूँगी तो अभी इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो अपने वेब पेज में किसी भी टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए हम लोग कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, और कलर जो है ये एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ। तो ये होती है कलर प्रॉपर्टी, जिसके लिए हम लोग सिर्फ कलर का यूज़ करते हैं। टेक्स्ट कलर या फिर फॉन्ट कलर ऐसा कुछ नहीं लिखते हम लोग। अगर मैं इस हेडिंग के बाद एक पैराग्राफ ऐड करूं, और इसके अंदर भी मैं अगर सेम टेक्स्ट ऐड करती हूं, तो अभी ये देख सकते हो यहां पे जो पैराग्राफ लिख के आ रहा है, ये भी अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होती है ब्लैक ही होती है। तो यहाँ पर भी ये ब्लैक कलर में लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मुझे इस पैराग्राफ के टेक्स्ट कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पर भी हम लोग इसके कलर को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिख देती हूँ ब्राउन, तो अभी इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्राउन हो गया है। तो ये होती है कलर प्रॉपर्टी। तो सीएसएस में बहुत तरह के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टी बताऊँगी जिसका यूज़ हम लोग मैक्सिमम टाइम करते ही है। तो सबसे पहले जो कलर प्रॉपर्टी थी वो मैंने बताया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग कुछ और टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ और पैराग्राफ ऐड करती हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ टैग ऐड करूँगी, और इसमें मैं ऐड करती हूँ इस फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब मैं चाहती हूँ कि अभी जो प्रॉपर्टी हम लोग ऐड करें वो सिर्फ इसी पैराग्राफ में ऐड हो। तो उसके लिए हम लोगों को इस पैराग्राफ को अलग से स्टाइल करना होगा, इसमें अलग से सीएसएस ऐड करना होगा। तो पी को हमने ऑलरेडी स्टाइल कर दिया है, तो वो यहाँ पे ऐड हो जा रही है। तो यहाँ पे मैं एक आईडी ऐड कर देती हूँ और p2 लिख देती हूँ मैं, एंड सिर्फ इसी में मुझे ये चेंजेस दिखाने हैं। तो यहाँ पर इसकी आईडी के थ्रू इसे सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, एंड अब यहाँ पर जो हम लोग ऐड करेंगे वो सिर्फ इसी पैराग्राफ में ऐड होगी। तो यहाँ पे जो दूसरी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो होती है टेक्स्ट अलाइन। तो जिस तरह से हम लोग एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सीएसएस में टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट होती है,
अगर मैं यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करूँ तो ये देख सकते हो ये पैराग्राफ अभी सेंटर में आ गया है। उसी तरह से अगर यहाँ पे राइट ऐड करूँ तो ये राइट में चला जाएगा, एंड अगर हम लोग कुछ भी ऐड ना करें तो ये लेफ्ट पे ही रहेगी। यहाँ पे हम लोग इसे सेंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ होती है वो सब मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ, बट अप्लाई वही होगी जो यहाँ पे हम लोग लास्ट में ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भी बताया था। तो ऑलरेडी ये लेफ्ट में है, यहाँ पे हम लोग करते हैं राइट। लास्ट में होगी मीन्स कि जैसे अभी हमने, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर एक ही एलिमेंट में हम लोग सेम प्रॉपर्टी ऐड करते हैं दो बार, तो जो लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे ना वही वाला यहाँ पे ऐड होगा। जैसे देखो पहले मैंने सेंटर किया है एंड लास्ट में मैंने राइट किया, तो अभी ये राइट पे है। अगर मैं वापस से यहाँ पे सेंटर कर दूँ इसके बाद टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये वापस से सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्स्ट अलाइन का यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में इतना ही टेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड करूँ तो डमी टेक्स्ट ऐड करने के लिए लॉरम एक शॉर्ट कट होता है, लॉरम 20 लिखा, मैंने एंटर किया, तो जब हम लोग राइट अलाइनमेंट करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे चेंज होता है। मीन जितने भी लाइन होंगे वो सारे राइट साइड में इक्वल होंगे, तो ये होता है राइट अलाइनमेंट। तो इस राइट अलाइनमेंट को मैं यहाँ से कमेंट कर देती हूँ, और सेंटर अलाइन करने पे हमारा पैराग्राफ कुछ इस तरह से ऐड होता है। एंड नेक्स्ट जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखूँगी टेक्स्ट, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट अलाइन दिख रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन दिख रहा है, तो टेक्स्ट अलाइन हमने देख लिया है, टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग देख लेते हैं अभी क्या होता है। तो ये सेम इसी पैराग्राफ में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो एक और बेनिफिट पीएस कोड का, जैसे ही मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी सेलेक्ट किया तो अब उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ है वो सारे मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे टेक्स्ट डेकोरेशन की एक वैल्यूज़ होती है अंडरलाइन, तो मैंने जब अंडरलाइन सेलेक्ट किया तो ये देख सकते हो इस पैराग्राफ में जितने भी टेक्स्ट है सबके नीचे एक अंडरलाइन ऐड हो गया। तो ये होती है टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पे कमेंट भी ऐड करते जाते हैं साथ में, तो मैं कमेंट को यहाँ पे कॉपी करती हूँ और यहाँ पे इसे टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी इस कमेंट को ऐड करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर कुछ वैल्यूज होती है, जैसे अंडरलाइन होता है, डैश होता है, डॉट होता है। टेक्स्ट डेकोरेशन की और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन ऐड करती हूँ एंड यहाँ पे कुछ और भी वैल्यूज़ होते हैं, जैसे अंडरलाइन मैंने ऐड किया, वैसे ही एक होता है ओवरलाइन। ओवरलाइन क्या होता है, जिस तरह से अंडरलाइन टेक्स्ट के नीचे ऐड होती है, ओवरलाइन टेक्स्ट के ऊपर ऐड होता है। तो अभी ये जो लाइन थी ये ऊपर ऐड हो रही है, एंड इसकी कुछ और भी वैल्यूज़ होती है, जैसे यहाँ पे एक और वैल्यू होती है लाइन थ्रू। तो लाइन थ्रू करने से क्या होता है, टेक्स्ट के सेंटर में एक लाइन ऐड हो जाती है, तो ये होता है लाइन थ्रू। ये सारी टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ एंड ये अंडरलाइन वाली रहने देते हैं। हाँ, हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एंड ये प्रॉपर्टी हम लोग इस पैराग्राफ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि होती है लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग में क्या होता है, मीन्स जो भी टेक्स्ट है इसके अंदर एक एक लेटर के बीच में मुझे डिस्टेंस दिखाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी डायरेक्ट पिक्सल में ऐड करती हूँ, पिक्सल क्या होते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मैं 5 पिक्सल ऐड करती हूँ, तो ये सेकेंड वाले पैराग्राफ में भी अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एलिमेंट के थ्रू पैराग्राफ को सेलेक्ट किया है, तो सेकेंड पैराग्राफ जो है ये भी सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इसे मैं यहाँ से कट करती हूँ और इसे हम लोग सेकेंड पैराग्राफ के अंदर ही देख लेते हैं। तो ये देखो अभी सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में ऐड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ को आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया है, तो ये सिर्फ सेकेंड पैराग्राफ में ही ऐड होगी। तो ये होता है लेटर स्पेसिंग। यहाँ पे मैं 2 पिक्सल कर दूंगी, तो ये कुछ जो डिस्टेंस है लेटर के बीच में ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कमेंट ऐड कर लेते हैं, कॉपी किया मैंने कमेंट को एंड यहाँ पे ऐड करेंगे लेटर स्पेसिंग। और भी कई तरह की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखने के लिए मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड करती हूँ एंड यहाँ पे भी मैं सेम कंटेंट ऐड करूँगी जो कि मैंने हेडिंग और पैराग्राफ में ऐड किया, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया। नाउ हम लोग चाहते हैं कि इस पैराग्राफ में हम लोग अलग से स्टाइल ऐड करें। यहाँ पे हम लोग एक आईडी ऐड कर देंगे और इसे आईडी के थ्रू हम लोग स्टाइल करेंगे। तो इसे आईडी दे देते हैं P3 और इसे आईडी के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो आईडी के थ्रू सेलेक्ट करने के लिए हैश यूज़ करेंगे और आईडी का नेम लिखेंगे। तो अब इसके अंदर हम लोग जो भी ऐड करेंगे वो सिर्फ इसी पैराग्राफ में ऐड होगी। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट और ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऐड किया मैंने, तो इसके वैल्यूज़ भी यहाँ पे दिख जा रहे हैं। मीन्स टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग टेक्स्ट के केस को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा टेक्स्ट अपर लेटर में है तो उसे हम लोग लोअर केस में कर सकते हैं, अगर लोअर केस में है तो अपर केस में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं अपर केस सेलेक्ट करती हूँ
तो ये देख सकते हो ये जो थर्ड वाला पैराग्राफ है ये अभी अपर लेटर में सारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। एंड मैं यहाँ पे इसी लाइन को डुप्लीकेट करती हूँ एंड यहाँ पे अब मैं ऐड करती हूँ कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज जब हम लोग ऐड करते हैं तो क्या होता है, जितने भी टेक्स्ट होते हैं सबका स्टार्टिंग लेटर जो होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है, ये देख सकते हो। एंड इसी तरह से मैं वापस से इसे डुप्लीकेट करती हूँ और अब हम लोग यहाँ पे अगर कर दे लोअर केस तो सारे टेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल लेटर में ऐड हो जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज़ होती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे भी हम लोग कमेंट ऐड कर देते हैं, इसे मैं कॉपी करती हूँ और इन चारों में कहीं पे भी मैं इसे ऐड कर देती हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अभी देखो ये सारे पैराग्राफ के अंदर सेम ही कलर ऐड हो रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ से हटा दूँ, अगर अभी हम लोग चाहते हैं कि ये जो थर्ड वाली पैराग्राफ है इसका कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे हम लोग अलग से कलर प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्या होगा, ये थर्ड वाले पैराग्राफ का ही कलर चेंज होगा। तो ये सारे बेसिक टेक्स्ट प्रॉपर्टी होते हैं जो आपको आने चाहिए। और भी कई तरह के टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होते हैं जिसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट या फिर अपने वर्क के थ्रू सीख सकते हैं। तो बेसिक जो प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट के अंदर वो इतने ही होते हैं। तो ये आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो अगर आप लोगों को टेक्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आई होगी एंड अभी तक अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहे। तो अब मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड करती हूँ सबसे पहले एंड हम लोग यहाँ से देखेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो मैंने बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिखा, इसे पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल और बैक स्लैश एक साथ प्रेस किया तो ये यहाँ पे कमेंट ऐड हो चुका है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं HTML में और यहाँ पे हम लोग अभी हम लोग एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं, H2 ऐड किया मैंने और यहाँ पे सेम टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं हम लोग, बार बार टाइप करने से अच्छा है एंड मैंने ऐड कर दिया। तो ये यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो चुका है। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम लोग इस वाली हेडिंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले H2 को एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं हम लोग एंड सबसे पहली जो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है वो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि होता है बैकग्राउंड कलर। तो ये एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होता है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं एलिमेंट में बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए। ये आपको प्रॉपर्टी नेम से ही क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो भी कलर ऐड करेंगे, जैसे अभी आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, रेड ब्लू या फिर कलर ऐड करने का भी बहुत सारा तरीका होता है जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी यहाँ पे जो भी कलर आपको समझ में आ रहा है, जैसे मैं रेड लिख देती हूँ तो ये देख सकते हो ये जो हेडिंग है इसका बैकग्राउंड यहाँ पे रेड हो गया है। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ, इस कमेंट को मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ पे इसे पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ पे ऐड करेंगे कलर, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड के अंदर। एंड यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जैसे कि मैंने अभी बैकग्राउंड कलर लिखा है, अगर यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड भी मैं लिखूँ और यहाँ पे अभी मैं लिख दूँ येल्लो तो भी इसका बैकग्राउंड कलर ही यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर ये दोनों सेम ही होता है यहाँ पे। तो आप लोग चाहे तो पूरा बैकग्राउंड कलर लिख सकते हैं या फिर बैकग्राउंड लिख सकते हैं। तो जब हम किसी टेक्स्ट के लिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो मोस्टली हम लोग बैकग्राउंड कलर का ही यूज़ करते हैं। बाकी और भी कई तरह के बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि हम लोग इमेजेस पे या फिर अदर HTML एलिमेंट पे ऐड करते हैं, तो वो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम लोग और प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो ये हो गया, नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी के बारे में भी। तो सेम इस कमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे इसे पेस्ट करूँगी और यहाँ पे अब हम लोग ऐड करेंगे बॉर्डर। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके लिए हम लोग एक और HTML एलिमेंट यहाँ पे ऐड करेंगे एंड यहाँ पे H3 टैग को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसके अंदर बॉर्डर प्रॉपर्टी इन CSS। नाउ यहाँ पे आ जाते हैं CSS में और H3 को उसके एलिमेंट के थ्रू यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये कैपिटल लेटर में हो गया। तो इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं अभी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐड करती हूँ जो कि है कलर एंड यहाँ पे करती हूँ रेड। तो ये देख सकते हो जब हम लोग कैपिटल में एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो भी यहाँ पे CSS अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब है कि CSS जो होती है एक केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज है, मीन्स यहाँ पे हम लोग एलिमेंट को अपर केस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लोअर केस के भी थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई एरर यहाँ पे नहीं आने वाला है। बट फॉर बेटर यूज़ हम लोग लोअर केस का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया इसे, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, यहाँ पे हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी देखने हैं। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी को देखने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे कि बॉर्डर के नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ किया जाता है CSS में किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर बॉर्डर ऐड करने के लिए। एंड बॉर्डर क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। तो एलिमेंट में बॉर्डर को ऐड करने के लिए भी हम लोगों को कुछ रूल फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि हम लोगों को बताना पड़ता है कि बॉर्डर की मोटाई कितनी होगी, बॉर्डर का टाइप क्या होगा, कौन से कलर का बॉर्डर होगा। तो अगर हम कलर ऐड नहीं भी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है HTML में वो ब्लैक होता है, तो ब्लैक कलर का बॉर्डर ऐड हो जाएगा। बट बाकी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है, जैसे कि बॉर्डर की मोटाई, बॉर्डर का टाइप,
इसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती है एंड कैसे हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हमें बॉर्डर की जो मोटाई है वो कितनी है वो बताना है। तो उसके लिए हम लोग बॉर्डर विड्थ एक प्रॉपर्टी होती है वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग पिक्सल का यूज़ करेंगे। मैक्सिमम जब हम लोग कुछ सीखते हैं तो हम लोग 2 पिक्सल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर विड्थ ऐड किया मैंने 2 पिक्सल, बट अभी भी आपको ये बॉर्डर दिखेगी नहीं। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे बताना होगा कि बॉर्डर का टाइप क्या है, मीन्स बॉर्डर का स्टाइल क्या है। तो इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होती है, जैसे कि होता है डॉटेड, डबल, सॉलिड। मोस्टली हम लोग सॉलिड बॉर्डर का ही यूज़ करते हैं। सॉलिड मैं लिखूंगी तो अभी देख सकते हो आप, मैंने अभी कलर डिफाइन नहीं किया है बॉर्डर का, तो बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर में यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो जब हम लोग सॉलिड लिखते हैं तो एक बिल्कुल सॉलिड सी लाइन ऐड होती है। इसे मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करती हूँ। सॉलिड की जगह पे अगर मैं डॉटेड एक वैल्यू होती है, अगर डॉटेड यूज़ करूँ तो इस तरह से डॉट डॉट लाइन से एक बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे एक और वैल्यूज होती है जो कि होता है डैश, तो ये इस तरह से डैश डैश लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सारा होता है बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ सब में, इसे कॉपी करते हैं यहाँ पे एंड इसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बॉर्डर विड्थ यहाँ पे इसे ऐड करेंगे बॉर्डर स्टाइल। तो आई होप आपको बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी क्या होता है ये यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने डॉटेड और डैश वैल्यू ऐड की है इसे भी हम लोग यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं एंड ये सॉलिड वाले को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस बॉर्डर का यहाँ पे जो कलर है ब्लैक दिख रहा है, तो अभी मुझे इसके कलर को भी चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पे बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी से बॉर्डर के लिए ही अप्लाई होगा। तो अभी ये ब्लैक है, अगर मैं यहाँ पे इसे ब्लू कर दूँ तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये देख सकते हो आप। एंड उसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे होता है बॉर्डर रेडियस। तो ये क्या करता है, ये जो बॉर्डर के चारों कॉर्नर है इसे सर्कुलर बनाने के लिए हम लोग बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार यूज़ करेंगे जब हम लोग कोई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, कोई पेज डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी CSS में नॉर्मली हम लोग पिक्सल में वैल्यूज़ को ऐड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 पिक्सल ऐड करूँ अभी, तो ये देख सकते हो जैसे इसके कॉर्नर इस तरह से यहाँ पे थोड़े से राउंडेड हो गए, मीन्स अब ये स्क्वायर स्क्वायर शेप में नहीं दिख रहा है। अगर इसे हम लोग और बढ़ा देंगे, जैसे 5 पिक्सल से और ज़्यादा कर देंगे, 20 पिक्सल कर देंगे, तो ये देख सकते इस तरह का बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं कमेंट ऐड कर देती हूँ बॉर्डर रेडियस। एंड यहाँ पे कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मीन्स ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे आने वाले वीडियो में, बट अगर मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बताऊँ, जैसे मुझे बॉर्डर ऐड करना है, हम लोगों ने ऐड किया बॉर्डर के विड्थ को, बॉर्डर के स्टाइल को एंड बॉर्डर के कलर को। अभी हम लोग चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोग एक ही लाइन में करें। तो उसके लिए जो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है, जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल और बॉर्डर कलर इन तीनों को एक ही लाइन में ऐड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बॉर्डर विड्थ को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 पिक्सल ऐड करती हूँ एंड उसके बाद हम लोग बॉर्डर का क्या स्टाइल है वो ऐड करेंगे। इसके ऑर्डर को हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। तो सॉलिड लिखा मैंने एंड यहाँ पे बॉर्डर के कलर को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ जैसे ब्लू, तो ब्लू ऑलरेडी किया है हमने। यहाँ पे जैसे अभी मैं कर देती हूँ रेड। तो जो काम हम लोग ये 3 लाइन लिख के कर सकते हैं वो हम लोग बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके एक ही लाइन में ऐड कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग हमेशा करेंगे, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाएंगे या फिर जब भी हम लोग कुछ CSS सीखेंगे, तो ये आपको आनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये यहीं पे बता दिया है। और भी कई तरह के शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होते हैं जो कि हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग बॉर्डर ऐड करते हैं तो इसमें चारों साइड से बॉर्डर ऐड होता है। अगर वही मुझे चाहिए कि सिर्फ टॉप से बॉर्डर ऐड हो, तो हम लोग ऐड करेंगे बॉर्डर टॉप। और यहाँ पे सेम जैसे 2 पिक्सल सॉलिड रेड या फिर ब्लू लिख दूँ मैं, तो ये देख सकते हो ये टॉप में जो बॉर्डर है उसका कलर यहाँ पे ब्लू हो गया है। उसी तरह से हम लोग बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग कब कब करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ हम लोग टेक्स्ट के लिए किस तरह से कर सकते हैं एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर प्रॉपर्टी के लिए। बट अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों को वहाँ पे हेल्प जरूर करूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि और भी लोगों को सीखने को मिले। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बहुत ही बेसिक एंड सिंपल लैंग्वेज में सीखने को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।